माई डियर फ्रेंड्स अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और क्लास ट्वेल्थ फर्स्ट इंटरनल टेस्ट की पैटर्न पेपर पैटर्न आप इसको पेपर को देख कर समझ कर उसकी तैयारी करते रहें द ईडियम किथ एंड किन मीन्स तो आपके पास थ्री ऑप्शन हैं रिलेटिव पेरेंट एंड फ्रेंड्स तो इसका किथ एंड किन का मीनिंग है रिलेटिव द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आ मैडर्न स्पीच मीन्स मर्डर स्पीच थ्री ऑप्शन हैं इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्पीच फीलिंग तो आपका राइट right आंसर है फर्स्ट स्पीच द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी इज एक्शी म्यूचुअलिटी प्रॉस्पैरिटी तो इसका राइट right आंसर है प्रॉस्पैरिटी एंटोनिमस क्या विलोम शब्द होता है फिर फोर्थ क्वेश्चन देखें स्टार्टिंग में स्पेस है इज द सिनोनिम ऑफ वेन थ्री ऑप्शन हैं आपके पास में कर्ज वार और हेल्प तो इसका है कर्ज और इसके बाद में द वर्ड स्पॉन्टेनस मीन्स स्पॉन्टेनस मीन्स अर्थात आपके थ्री ऑप्शंस प्रोग्रेस नेचुरल और रियल तो इसका राइट आ, जो ऑप्शन है नेचुरल स्टेट ऑफ बींगमेरिड तो थ्री ऑप्शंस हैं नारकोटिक नोटोरियस एंड बैचलर अनमेरिड मीन्स बैचलर सेवन में देखें इज एन एग्जाम्पल ऑफेटिव सेंटेंस थ्री सेंटेंस हैं आप पढ़ लें हरी अप में यू लिव लॉन्ग आई रिसीव्ड अ चैट तो आप जानते हैं कि जिस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है और उस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट अगर नहीं दिया होता तो वो इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है तो इसका आपका फर्स्ट ए वन इज़ राइट इसके उपरांत चलते हैं लास्ट एट पर इन द फॉलोइंग सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच इज़ तो आपका सेंटेंस है शी सेड लेटस्ट डांस तो इसमें आपकी रिपोर्टेड स्पीच पूछी जा रही है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है लेट अस डांस तो ए इसका आंसर राइट right है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दे फाउंड अ लास्ट पर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो ये आपका सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है टेंथ सेंटेंस आई एम अ डॉक्टर एंड ही इज अ पेशेंट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ तो ए ऑप्शन सिंपल सेंटेंस कम्पाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डियर चिल्ड्रेन जब जहाँ पर दो फिनिट वर्ब्स होती हैं तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है और ये दो सेंटेंस हैं जो कि एंड से जुड़े हैं तो इसका आंसर है कंपाउंड सेंटेंस आई हैव लॉस द पर्स विच ही गिफ्टिड मी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ तो जानते ही हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है द कम्पर डिग्री ऑफ बैड इज़ मोर बैड नहीं होता है मोस्ट बैड नहीं होता है तो कंप्यूटर डिग्री पूछी जा रही है तो इसका राइट आंसर सी वर्स है लेटर रिटिन टू फ्रेंड इज़ अ तो फ्रेंड को जो लेटर हम लिखते हैं वो कैसे होते हैं इनफॉर्मल लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़ पेपर इज़ ए काइंड ऑफ सिंपल लेटर ऑफिशियल लेटर अनऑफिशियल तो जो हमारे लेटर टू एडिटर्स होते हैं वो हमारे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं और इफ़ आई बीट हर ही विल क्राई दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस फुल फॉर्म ऑफ आर टी आई इज तो आर टी आई आपके थ्री ऑप्शन इसमें दिए इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं रिपोर्ट टेस्ट ऑफ इंडिया राइट टू तो इंफॉर्मेशन नन ऑफ दीज तो इसका राइट टू तो इंफॉर्मेशन द फ्रेजल बर्ग बैकअप मीन्स तो बैकअप मीन्स अर्थात टू सपोर्ट एब्रीवेशंस आर यूज इन नोट मेकिंग ड्राफ्ट एंड लेटर्स तो आप जानते ही हैं जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है कि एब्रीवेशन्स आर यूज इन नोट मेकिंग डियर चिल्ड्रेन इस प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आप बराबर तैयारी करते रहें आपके नेक्स्ट लिटरेचर का पैटर्न आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा ओके स्ट्रेंड्स गुड बाय